सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं, अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं, थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं, इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। पेश है इंटेलेक्स के डिफरेंट वैरायटीज में उपलब्ध शानदार और बेहतरीन पेंट्स, जिसमें शामिल है एंटी क्रैक टेक्नोलॉजी से बना सिग्नेचर इंटीरियर एंड एक्सटीरियर लक्जरी इमोशन पेंट, जो आपके घर को दे एक नया लुक। संपर्क करें 1800-21-23-494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा .com। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अग्निपथ योजना को लेकर के पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। इस वक्त हम आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहे हैं, जहां पे सिरसा के बावदीन टोल प्लाजा के बाहर जो है युवा हैं वो जोरदार नारेबाजी कर रही है। और आज भारत बंद का ऐलान किया हुआ है, अग्निपथ जो है योजना है उसके विरोध में। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भावी सैनिक हैं, या ये कहूँगा कि जो लगातार जो तैयारियाँ कर रहे हैं आर्मी की, और वो युवा हैं जो आज अग्निपथ योजना है उसका विरोध करने के लिए टोल प्लाजा पे पहुँचे हैं। और 12 से लेकर के 3 बजे तक टोल फ्री करवाया जाएगा। और ये युवा हैं वो नारेबाजी कर रही हैं, हालांकि भारी पुलिस बल है वो यहाँ पे तैनात है और टोल है वो अभी चल रहा है, लेकिन टोल को 12 बजे के बाद से लेकर के 3 बजे तक जो है बंद कराने का ऐलान है। हमारे साथ जो काफी संख्या में जो युवा हैं, हम उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि वो इसको लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह से उनका प्रोटेस्ट है वो आज रहेगा। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे, जिस तरह से आज युवा हैं वो एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? मेरा नाम राहुल है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुरानी भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू करे वापसी सरकार से, क्योंकि दो साल हो गए हमें तैयारी करते हुए। हमारे जैसे हिसार है वहाँ जा रहे हैं एकेडमी में, कोई कहीं जा रहा है, 3-3, 4-4 लाख रुपए लगा के बैठे हैं। और ये TOD है, ये वापस लो, ये 4 साल के लिए जाएंगे वीर, ये बाद में अगर 20,000 रुपये के बोल रहे हैं 20,000 रुपये देंगे, आने के बाद 10 लाख रुपये देंगे। ये तो एक मान लो, ये सरकार तो ये चाहते है बच्चा बेरोजगार ना रहो, 20,000 रुपये में ये प्राइवेट जैसा कर दिया, बेच दिया सारा। हाँ जी, क्या कुछ कहें सर, आज युवा हैं वो एकत्रित हैं, देखिए जी। मेरा नाम प्रदीप पिलानिया है। युवा एकत्रित करने पर सरकार होने पर सरकार मजबूर कर रही है युवाओं को, क्योंकि जो युवा पिछले लंबे समय से मैदान के अंदर अपनी तैयारियां कर रहे थे, जो 3-3 साल से अपनी दौड़ कर रहे थे, और NCC के कैडेट थे, जो सी सर्टिफिकेट लेने के बाद उनको कहीं ना कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता था, उसमें छूट दे दी जाती थी, जिस 3 साल के NCC के लिए वो लोग भागते थे, जो आर्मी के लिए जो लोग भागते थे, उसे ही 4 साल का कर दिया गया है। जो आर्मी किसी टाइम अपनी जिंद मतलब पूरी जवानी बिताने के लिए युवा जाता था, वह युवा आज एक टूर के लिए आर्मी में जाएगा। ये हमारे देश की आर्मी के लिए बहुत ही शर्मनाक है, ये देश की कहीं ना कहीं अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने वाला है। आप कल देखिए कि कल किस प्रकार से जनरल आर्मी के जनरल्स मीडिया के सामने है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहीं ना कहीं वो आर्मी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना लगकर कहीं ना कहीं एक सरकार की नुमाइंदगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई दे रही थी। वो तो आर्मी ने जो फैसला लिया है कि ये योजना किसी भी सूरत में वापस नहीं होगी, तो उसको लेकर के अब क्या रुख है, आज किस तरह का प्रोटेस्ट है वो किया जा रहा है? देखिए जी, आज जो प्रोटेस्ट था, इससे हमने पहले मिनी सेक्रेटरिएट के अंदर अपना प्रदर्शन किया था, और उस पर हमने एक कॉल की थी युवाओं से कि आप आइए और हमारा इस टोल रोकने के अंदर जो अपनी एक सरकार के खिलाफ बुलंद आवाज़ है उसको बुलंद करने में अपना सहयोग कीजिए। उसके बाद भारतीय किसान एकता ने भी, चडूनी जो ग्रुप है उसने भी टोल फ्री का नारा दिया था। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने युवाओं की पीड़ा को समझते हुए ये अहम फैसला लिया है, और आगे ये आज जो हमारा टोल फ्री का सिस्टम है ये 3 घंटे चलेगा 3 बजे तक, उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी वो आपको बता दी जाएगी सभी युवाओं के साथ बातचीत कर कर। धन्यवाद। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि आज युवाओं ने भारतीय किसान ग्रुप जो है चढ़ूनी, उसके सहयोग से जो है टोल फ्री है वो करवाने को लेकर के युवा है वो एकत्रित हुए हैं। 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक टोल है वो फ्री होगा, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे काफ़ी संख्या में जो युवा हैं वो यहाँ पे एकत्रित हैं। और इन्होंने कहा है कि जो अग्निपथ योजना है उसके विरोध में पूरे देश भर में जहाँ युवा हैं वो सड़कों पर है, और आज 3 घंटे है वो टोल जो है बंद किया जाएगा, टोल फ्री करवाया जाएगा। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि आज
युवाओं ने बड़ा मोर्चा है वो खोला है अग्निपथ योजना को लेकर के, और जो है युवाओं ने कहा है कि इसके बाद जो है आगामी है वो रणनीति बनाई जाएगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए। हालांकि 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक का समय है और आपको दिखा रहा हूँ तस्वीरें कि किस तरह से भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर मौजूद है, और इस बीच जो है क्या कुछ निर्णय होता है, किस तरह के प्रयास रहते हैं। और हमारे साथ जो है टोल के जो कर्मचारी हैं, इंचार्ज हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से ये कॉल दी गई है कि 12 से लेकर के 3 बजे तक टोल बंद होगा? सर ये देखो जी, हमारी नॉलेज में तो अभी सुबह ही आया था कि 12 से 3 टोल बंद कर रहे हैं जी। तो ये इसमें क्या है कि जो एजेंसी होती है उसी का रेवेन्यू लॉस होता है 3 घंटे के टोल बंद करने। तो बाकी देखो शांतिपूर्ण है, इनका वो काम है जो अपना करें, लेकिन टोल में व्यवधान ना आए तो अच्छी बात है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो यहाँ पे मौजूद हैं। पुलिस बल की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से महिला पुलिस कर्मचारी हैं वो यहाँ पे तैनात हैं, पुरुष कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे तैनात हैं। भारी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पे है, और पुलिस ने अपनी बाकायदा जो गाड़ी है वो भी एक जो है प्लाजा के बीच में लगा दी है। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भारी संख्या में जो युवा हैं वो आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है अग्निपथ जो योजना है सरकार उसको वापस ले और सेना की रेगुलर भर्तियां वो करे। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।